हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और उसका न्यूमेरिकल जो है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का न्यूमेरिकल जो है उसका जो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जो रहते हैं करंट प्रोडक्ट का और रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट और ईएमएफ का, वो न्यूमेरिकल के हेल्प से आपको हमने समझाया था पिछली बार। और आज जो है हम उसका जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। वो क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब रेजिस्टेंस जो रहता है मटेरियल का, वो रेजिस्टेंस मटेरियल के रेजिस्टेंस पे डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं और उससे मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। उसमें टेम्परेचर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, दूसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी है, लिक्विड लेवल है, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, तो इससे रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। यानी अगर इनका, अगर हमें, अगर ये इसका हम टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करने के, हम मेजरमेंट कर सकते हैं रेजिस्टेंस का, क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड टू मेजर द रेजिस्टेंस। और कौन सा रेजिस्टेंस, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। इट इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। This Wheatstone bridge is also used for measuring the calibration of ammeter, voltmeter instrument. Okay, तो Wheatstone bridge में क्या रहता है, आज हम Wheatstone bridge का एक आर्टिकल देखेंगे। तो Wheatstone bridge में क्या है, Wheatstone bridge consists of the equilateral, यानी फोर रजिस्टर जो रहते हैं, that is P, Q, R, S। ये फोर रजिस्टर ऐसे अरेंजमेंट किए जाते हैं कि ए फोर रेजिस्टेंस से इक्विलेटर, सॉरी क्वाड्रिलेटर क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। दैट इज द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ओके, तो ये जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है, ये क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी को दो डायगोनल पेयर रहेगी, एक रहेगी ए सी पेयर और दूसरी रहेगी बी डी पेयर। ओके, तो जो डायगोनली जो पेयर है ए सी पेयर, वो एसी पेयर के अक्रॉस में हमने बैटरी इलिमिनेटर हैविंग दी ईएमएफ ई एंड प्लग की के इज कनेक्टेड अक्रॉस दी डायगोनली पेयर एसी, डायगोनली पेयर एसी। और ये डायगोनली पेयर बीडी के अक्रॉस में, बीडी के अक्रॉस में हम क्या कनेक्टेड करते हैं, इट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। We know that, dear student, the galvanometer is used to measure the value of current. Okay, तो एसी जो आर्म हो गई, ये एसी आर्म हो गई, इट इज कॉल्ड एज द बैटरी आर्म। और बीडी जो आर्म है, इट इज कॉल्ड एज द गैल्वेनोमीटर आर्म। बीडी आर्म को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। ओके, तो ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बैटरी एमएफ है, फोर रजिस्टर है, गैल्वेनोमीटर है। ओके, अब इसका वर्किंग कैसा होगा, इसका वर्किंग कैसा होगा, इफ द की के यानी प्लग की अगर हमने अगर क्लोज अगर की, तो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। करंट क्या होगा, फ्लो होगा, दैट इज द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब करंट ये पॉइंट पे आ रहा है, यहां पर अगर करंट अगर आ गया है, तो This current is divided into two parts. One is I1 and other is I2. Okay, I1 AB आर से इधर जा रहा है
और आई टू एडी से डीसी इसमें जा रहा है। ओके, तो अब हमें आई वन पी रजिस्टर से पास होता है। अब क्यू और आर में कितनी वैल्यू का रजिस्टर, कितने वैल्यू का करंट क्या होगा, फ्लो होगा, वो हमें निकालना है। हमें पता है पी रजिस्टर से और एस रजिस्टर से आई टू करंट फ्लो हो गया और आई वन करंट फ्लो हो गया। आई वन पी से और एस से आई टू फ्लो होता है। ओके, तो यहां पे आने के बाद, ये आई वन यहां पे आने के बाद और करंट जो पास होगा गैलोनोमीटर से उसको हम आईजी कहते हैं, इट इज आईजी। ओके, तो ये बी पॉइंट को अगर हमने जंक्शन पॉइंट अगर कंसीडर अगर किया तो करंट आई वन इज फ्लोज टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट बी और करंट आईजी फ्लोज अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट बी। यानी यहां पे जो टोटल करंट की जो वैल्यू होगी, जो क्यू रजिस्टर से जो फ्लो होगा वो टोटल रजिस्टर करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज करंट फ्लोज टुवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव, दैट इज आई वन पॉजिटिव एंड करंट फ्लोज दैट इज आई जी अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो इट इज कंसिडर नेगेटिव एंड करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर क्यू दैट इज द आई वन माइनस आई जी। इतनी वैल्यू का करंट क्या होगा, फ्लो होगा क्यू रजिस्टर से। ओके, अब आईजी जो वैल्यू है, आईजी जो करंट है वो डी पॉइंट पे पहुंच गया है और आई टू भी डी पॉइंट पे पहुंच गया है, यानी दोनों भी करंट इज फ्लोज टूवर्ड्स द डी पॉइंट। यानी आर से जो करंट जो फ्लो होगा, आर से जो करंट जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज दोनों भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, आई टू प्लस आई जी, दैट इज द आई टू प्लस आई जी। ओके, तो यहां सी पॉइंट आने के बाद, यहां पे सी पॉइंट पे आने के बाद दैट इज द करंट मेक आई एंड इट इज फ्लोज टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू रूट लोड। ओके, अब हमें इसका जो है व्हीटस्टोन नेटवर्क का जो है वो करंट की इक्वेशन निकालना है और करंट की इक्वेशन निकालने के बाद हम बैलेंस कंडीशन निकालने वाले हैं। तो बैलेंस कंडीशन के लिए क्या रहता है वो अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो करंट की इक्वेशन निकालने के लिए हम केवीएल रूल, जो केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे कौन से लूप के लिए, ए बी डी ए के अप्लाई केवीएल फॉर लूप, फॉर लूप ए बी डी ए बी डी ए। और हम जो हमारा जो पाथ है वो है क्लॉकवाइज पाथ, यानी हम क्लॉकवाइज पाथ से क्या हो रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ओके, तो अब ये जो करंट का जो और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट रहेगा, व्हेन द पाथ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन इट इज कंसिडर एज अ नेगेटिव। यानी यहां पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज द आई वन पी। उसके बाद जी यानी गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैलोनोमीटर हमने बीडीआर को कनेक्टेड किया है, जी उसका क्या है, रेजिस्टेंस है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर। सो यहां पे क्या होगा, फिर सेम इक्वेशन हमें मिलेगा, दैट इज माइनस आई वन जी के वजह हमें आई जी मिलेगा, क्योंकि करंट आई जी गैलोनोमीटर से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई जी करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और यहां पे आने के बाद जो करंट जो यस रेजिस्टेंस से फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, यानी इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, प्लस आई टू इंटू यस दैट इज इक्वल टू जीरो। और सर्किट का जो टोटल जो करंट है, फर्स्ट इक्वेशन हमें करंट का फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, टोटल करंट दैट इज आई इक्वल टू, दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई इज डिवाइडेड इंटू आई वन और आई टू में डिवाइडेड हो गया, यानी इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ द टू इंडिविजुअल का। ओके,
सो ये इससे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज I2S इज इक्वल टू I1P प्लस IG इंटू G. I2S दैट इज इक्वल टू I1P प्लस IG इंटू G. ओके, तो इसे हम सेकंड इक्वेशन कहेंगे. अब सेम लूप हम कंसीडर करेंगे, सेम KVL अप्लाई फॉर लूप ये लूप लेंगे हम BCDB. हम पाथ एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, कौन सा भी पाथ ले सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इक्वेशन सेम ही आएंगे. ओके, और उसके बाद केवीएल अगर हमने बीसीडी लूप के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा. अब क्यू रजिस्टर से कौन सा करंट फ्लो होता है, दैट इज I1 - IG करंट फ्लो होता है, यानी हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम आने हैं, यानी इसे हम लिखेंगे दैट इज -I1 - IG इंटू क्यू. उसके बाद ये जो करंट है ओके, इसकी डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है. ओके, तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज द पॉजिटिव प्लस I2 प्लस IG इंटू आर. और उसके बाद हमारी डायरेक्शन, हम वापस जा रहे हैं बी की तरफ, हमारी डायरेक्शन और आईजी की डायरेक्शन है अपोजिट आ रही है, फिर यहां पे भी हम क्या लेंगे, प्लस आईजी इंटू जी दैट इज इक्वल टू जीरो. तो ये क्या होगा, I2 plus IG R plus IG into G दैट इज इक्वल टू I1 - IG into Q. ये होगा हमारा थर्ड इक्वेशन. ओके, तो ये इक्वेशन 1, 2, 3 से हम सॉल्व करके हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इच आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इच आर, इस ये इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं. लेकिन हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, यानी एकादे आर्म में अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है, हमें 3 आर्म की वैल्यू पता है. ओके, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी हमें अब बैलेंस कंडीशन निकालना है. व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमें बैलेंस कंडीशन इक्वेशन निकालना है, और बैलेंस कंडीशन के लिए व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन, यानी जो करंट जो फ्लोज होगा गैल्वेनोमीटर का, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. अगर हमने रेजिस्टर की वैल्यू ऐसी अरेंजमेंट अगर की, एडजस्ट द रेजिस्टेंस सच दैट द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इट इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट द ब्रिज सेड टू बी बैलेंस, और बैलेंस कंडीशन के लिए आईजी की वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, फॉर बैलेंस कंडीशन आईजी इज इक्वल टू जीरो. आईजी की वैल्यू अगर 0 अगर करते हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टर हम ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे कि जो करंट जो होगा आईजी की वैल्यू 0 होगी. आईजी की वैल्यू 0 कब होगी,
जब बी और डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दैट इज वीबी इक्वल टू वीडी, वीबी इक्वल टू वीडी, देन आईजी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आर्म का करंट जीरो हो गया। तो ये इक्वेशन में अगर हमने आईजी की वैल्यू अगर जीरो अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं दो इक्वेशन में और तीन इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन टू एम्प्लॉइज, इक्वेशन टू एम्प्लॉइज दैट इज आई टू यस, और यहां पे जीरो आ जाएगा, यानी आई टू यस दैट इज इक्वल टू आई वन पी, आई टू यस दैट इज इक्वल टू आई वन पी। ओके, इसे हम फोर्थ इक्वेशन कहेंगे। और इक्वेशन थ्री कैसा एम्प्लॉइज होगा डियर स्टूडेंट, इक्वेशन थ्री कैसा एम्प्लॉइज होगा, यहां पे आईजी की वैल्यू जीरो होगी, तो यहां पे मिलेगा हमें आई टू आर मिलेगा, यहां हमें आई टू आर मिलेगा। ओके, आई टू आर दैट इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद आईजी की वैल्यू यहां पे अगर हमने जीरो अगर डाली तो यहां पे हमें मिलेगा आई वन इंटू क्यू, आई वन इंटू क्यू, ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। ओके, तो फोर्थ और फिफ्थ का अगर हमने रेशियो अगर लिया, टेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन फोर एंड फाइव, वी गेट आई टू यस अपॉन आई टू आर दैट इज इक्वल टू आई वन पी अपॉन आई वन क्यू। ओके, तो आई टू और आई वन क्या होगा, कैंसल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बैलेंस कंडीशन। यहां लिखते हैं डियर स्टूडेंट, हमें मिलेगी बैलेंस कंडीशन दैट इज यस बाय आर, यस बाय आर दैट इज इक्वल टू पी बाय क्यू, यस बाय आर दैट इज इक्वल टू पी बाय क्यू, और पी बाय क्यू इक्वल टू यस बाय आर, पी बाय क्यू यानी ये है पी क्यू और यस आर, यानी बैलेंस कंडीशन से क्या इंडिकेट होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट आर दी सेम, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट आर दी सेम, दिस इज द बैलेंस कंडीशन। अगर हमें P की वैल्यू अगर निकालना है और हमें यस आर और Q की वैल्यू अगर पता है, तो ये इक्वेशन से P की वैल्यू क्या होगा, P इक्वल टू P यानी रजिस्टर की वैल्यू है, P इक्वल टू यस बाय आर इंटू क्यू, P इक्वल टू यस बाय आर इंटू क्यू। ओके, अब हमें कौन से भी रजिस्टर की वैल्यू हमें पता कर सकते हैं, हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, अगर हमें आर की वैल्यू निकालना है तो हमें यस पी क्यू की वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, एंड वी हैव टू फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द आर, ये चार जो आर्म है, ये चार आर्म में कौन से भी आर्म में अगर हमने अननोन रेजिस्टेंस अगर रख दिया और तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें पता है, तो हम वो अननोन रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इसका जो एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करके जो डिवाइस जो बनाया गया है उसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं, उसका हम अगली बार उसका हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो हमारा जो वीडियो है, अगर आपको अगर पसंद कर आया डियर स्टूडेंट, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और आप जो है अगर हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमने हमारे चैनल पे एनिमेशन वीडियो भी अपलोड किए हैं, उसका भी आप आनंद ले सकते हो सब्सक्राइब करने के बाद। और हमने बहुत सारे चैप्टर पे, हमारे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर पे, 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर पे जो है बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी आप आनंद ले सकते हो। हमने एक एक चीज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट, और वो एनिमेशन के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम टेलीग्राम जो अकाउंट है वहां पे हम नोट्स प्रोवाइडेड करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और
आप जो है हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो डियर स्टूडेंट। तो आपका जो रिस्पांस है इससे हम बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। जो आप जो हमें जो कमेंट्स जो देते हैं उससे हम इसमें हमारे इसमें चैनल में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।